किसानों ने खाद को लेकर खंडवा बड़ौदा हाईवे पर लगाया एक घंटे तक जाम। धार जिले के कुक्षी में आज सहकारी विपणन समिति के सामने किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर किया चक्का जाम। लगभग एक घंटे तक लगा रहा खंडवा बड़ौदा हाईवे नंबर 26 पर जाम। किसान खाद नहीं मिलने से हो रहे थे परेशान, जिसके चलते 10 दिन से हो रहे थे परेशान। इसके बाद रोड पर लगा दिया जाम। तहसीलदार गणपत जावर ने किसानों को समझा कर जाम खुलवाया और तत्काल खाद दिलाने की बात कही। आपको लेकर क्या समझाई थी अभी? सर कितनी देर रोड पर चक्का जाम लगा रहा? रेडी भैया, क्या कारण था जिसको लेकर आज चक्का जाम लगाना पड़ा आपको? खाद नहीं मिल रहा है, इस कारण से हमको यह आंदोलन किया है। इसका मुख्य कारण यह है, ज्ञापन दे दे के हम 4 से 5 बार खाद नहीं मिल रहा है। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है, तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आज सुबह भी वहाँ गए थे, एसडीएम साहब छुट्टी पे है, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? आज हम जिसके ऊपर जनप्रतिनिधि बीच रोए हुए हैं, आज ये आंदोलन का रुख हमको क्यों करना पड़ा, इसका कारण है खाद नहीं मिल रहा। कितने दिन से खाद नहीं मिल रहा? एक महीने से खाद की समस्या चल रही है निरंतर। आदमी सुबह 8 बजे से मेरे पास आ जाता, भैया खाद नहीं मिल रहा है, क्या करना है? मैं भी किसान पुत्र हूँ, आज मेरा भी जिम्मेदारी, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, 4 हिस्से है, 4 हिस्सों में 1 की पावती है, 2 खाद की बोरियां मिलती है, बाकी 3 भाई कहाँ से लाएंगे? अब अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन मिला है कि अभी जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद है उन्हें खाद दिलाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर सोए हुए थे क्या? कल 1 महीने से सोए हुए थे, आज जाग गए। और किसान ये हमारे में पढ़ा लिखा ही हुआ हूँ, इसलिए मैं इतनी आवाज उठा देता हूँ। बाकी ये मेरे आदिवासी समाज के ट्राइबल लोग हैं, इनको भगा दिया जाएगा, अरे नहीं मिलेगा, अरे जिसकी पहचान होगी, अरे क्या ये मूर्खता क्यों? जो पढ़ा लिखा होगा वो आवाज उठा देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम बघेल है, मैं ग्राम बड़दा से हूँ और मैं भी किसान हूँ, मुझे भी खाद नहीं मिल रहा था, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा।